दोस्तों यूपीएससी 2017 में झांसी के रहने वाले आरिफ खान ने 850th रैंक हासिल की थी। तब वे नागपुर में जीएसटी अफसर थे। यूपीएससी में उनका ये चौथा अटेम्प्ट था। आरिफ ने 2016 में यूपीएससी का तीसरा अटेम्प्ट दिया था, जिसमें वे 5 नंबर से चूक गए थे। आरिफ ने यूपीएससी इंटरव्यू के कुछ सवालों को शेयर किया है। सवाल नंबर 1, आप आईआईटी से हैं, तो इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गए? आईएएस और आईपीएस ही क्यों बनना चाहते हैं? दिया गया जवाब, सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन है। इसके जरिए हम गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को पब्लिक तक प्रोवाइड करा सकते हैं। सवाल नंबर 2, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आपके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे और कैसे सुधार करेंगे? दिया गया जवाब, मैं सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी लाऊंगा, अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाऊंगा, साथ ही सर्विसेज और स्कीम पर ज्यादा ध्यान दूंगा। सवाल नंबर 3, अगर आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर कश्मीर में है और आप पर टेररिस्ट अटैक होता है, तब आप क्या करेंगे? दिया गया जवाब, ऐसे में मेरी कोशिश रहेगी कि आतंकी जिंदा पकड़ा जाए ताकि जुडिशियरी के तहत उन्हें सजा मिल सके। सवाल नंबर 4, हमारे डिफेंस समझौते हो रहे हैं, उनके तहत हम ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हमें ये करना चाहिए? दिया गया जवाब, हाँ, क्योंकि इससे हमारी डिफेंस पॉलिसी मजबूत होगी। हम टॉप 5 इम्पोर्ट करने वालों में से हैं। ऐसे में एक्सपोर्ट करने से और आर्म्स खुद डेवलप करने से हमारी टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी। सवाल नंबर 5, रेप की घटनाओं को रोकने के लिए क्या आरोपी को फांसी देने की सजा सही है? दिया गया जवाब, ये इसका समाधान नहीं है। दरअसल सबूत मिटाने के लिए ऐसे केस में आरोपी विक्टिम को मार सकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि समाज सुधरे, क्योंकि रेप के आरोपी इसी समाज में से आते हैं। दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।